शर्मा दिबांजलि मोइत्रा, कविता कौशिक जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता, जिन्होंने कभी दबंग चंद्रमुखी चौटाला तो कभी सिंपल सी लड़की का रोल निभाकर वाहवाही लूटी, वही अब वो सलमान के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस का हिस्सा बनने वाली। तो चलिए कविता कौशिक के बारे में आपको बताते हैं। कविता का जन्म 15 फरवरी 1981 को दिल्ली में हुआ था। कविता के पिता का नाम दिनेश चंद्र कौशिक है और वो रिटायर्ड CRPF ऑफिसर है। कविता की माँ हाउसवाइफ है। कविता अपने घर की इकलौती बेटी है और माँ पापा का सारा प्यार दुलार कविता को ही मिलता है। कविता ने इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली से फिलोसफी की पढ़ाई की। कविता कौशिक ने अपने कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग और एंकरिंग शुरू कर दी थी। 2001 में वो कुटुंब के लिए नई दिल्ली में हुए ऑडिशन में सिलेक्ट हुई थी और मुंबई चली गई थी। हिंदी सीरियल कुटुंब के बाद कविता कौशिक को कहानी घर घर की में मान्या दोषी की भूमिका में देखा गया था। इसके बाद रीमिक्स, तुम्हारी दिशा, CID जैसे शोज में वो नजर आई, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों ने उन्हें सब टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो FIR में चंद्रमुखी चौटाला के किरदार के लिए पसंद किया। हरियाणवी पुलिस वाली चंद्रमुखी को देखने के लिए लोग दीवाने हो जाते थे। इस शो के लिए कविता को कई अवार्ड्स भी मिले। सीरियल FIR लोगों को बहुत पसंद आया था। इसकी TRP ऊंचाइयां छुआ करती थी। चंद्रमुखी चौटाला के किरदार को भारतीय टेलीविजन के सबसे प्रसिद्ध किरदारों में से एक माना जाता है। लेकिन इस सीरियल की सफलता के बावजूद कविता कौशिक ने जनवरी 2013 में गौरव गेरा के साथ एक और सब टीवी के सीरियल तोता वेड्स मैना में अभिनय करने के लिए शो छोड़ दिया। हालांकि सीरियल ने लगातार TRP में गिरावट देखी थी और उसी साल अप्रैल में सीरियल को बंद करना पड़ा था। FIR के दौरान शो ने अभिनेता चित्राशी रावत के साथ चंद्रमुखी की बेटी ज्वालामुखी चौटाला की भूमिका निभाते हुए 20 साल का लीप लिया। जुलाई 2013 में कविता कौशिक ने चंद्रमुखी चौटाला की पिछली भूमिका के लिए हामी भरते हुए FIR में वापसी की, जिसकी वजह से चित्राशी रावत को शो छोड़ने के लिए कहा गया था। एक इंटरव्यू में सलमान खान ने कविता कौशिक के किरदार चंद्रमुखी चौटाला की तारीफ करते हुए कहा था कि उनकी फिल्म दबंग में जो पांडे जी का किरदार है चंद्रमुखी चौटाला से ही प्रेरित होकर बनाया गया। इतना ही नहीं, कविता ने कई रियलिटी शोज में भी हिस्सा लिया। कविता कौशिक ने डांस रियलिटी शो नच बलिए Season 3 में अपने बॉयफ्रेंड रह चुके एक्टर करण ग्रोवर के साथ भाग लिया था। इसके अलावा झलक दिखला जा के Season 8 में भी शामिल हुई थी। छोटे पर्दे में सफलता पाने के बाद कविता कौशिक ने कई फिल्मों में भी काम किया। उनकी पहली फिल्म एक हसीना थी 2004 में। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल निभाए, लेकिन जो प्यार उन्हें पंजाबी फिल्मों से मिला वो हिंदी फिल्मों से। कविता ने पंजाबी फिल्म वेक बराता चलिया, वधाइयां जी वधाइयां, ननकाना में काम कर लोगों का दिल जीत लिया था। इन सब के अलावा कविता कौशिक ने इंग्लिश फिल्म बोल्ड के हिंदी डब पार्ट में मिटन्स के किरदार के लिए अपनी आवाज भी दी। ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई। अब अगर कविता की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उनका सबसे पहला अफेयर टेलीविजन सीरियल के जाने माने अभिनेता करण ग्रोवर के साथ हुआ था। उन्होंने सेलिब्रिटी कपल डांस रियलिटी शो नच बलिए 3 में भाग लिया था, लेकिन दोनों का ये रिश्ता 2008 में खत्म हो गया था। करण से ब्रेकअप के बाद कविता का नाम अभिनेता नवाब शाह के साथ भी जुड़ा, जो डॉन 2, दिलवाले जैसी फिल्मों में नजर आए थे, लेकिन इनका भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया था। दोनों का ब्रेकअप जुलाई 2015 में हुआ था। कहा जा रहा था कि दोनों के अलग अलग धर्म होने की वजह से कविता के पेरेंट्स उनके और नवाब के रिश्ते को अप्रूव नहीं कर रहे थे। रिलेशनशिप में आए कुछ और डिफरेंसेस के चलते दोनों ने अलग होना ही बेहतर समझा। इसके बाद नवाब से ब्रेकअप के बाद कविता ने उनके ओल्ड फ्रेंड रोनित बिस्वास को डेट करना शुरू किया। दोनों ने 27 जनवरी 2017 को केदारनाथ के एक मंदिर में शादी कर ली। दोनों की शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चल रही। वही कविता ने कभी भी फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोचा। कविता ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद कहा था कि मैं बच्चे के साथ अन्याय नहीं करना चाहती। अगर मैंने 40 की उम्र तक बच्चा पैदा किया तो जब वो 20 साल का होगा मैं और मेरे पति बूढ़े हो चुके होंगे। मैं नहीं चाहती कि 20 साल की उम्र में मेरे बच्चे बूढ़े माँ बाप की सेवा में अपना समय गंवाएं। कविता ने आगे कहा, मेरे पति रोनित ने बहुत ही कम उम्र में अपने पेरेंट्स को खो दिया था और मैं भी माँ बाप की अकेली संतान हूँ, लेकिन घर चलाने के लिए मुझे भी काफी कम उम्र से काम करना पड़ा, इसलिए रोनित और मैं अब बच्चों की तरह अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं। वहीं आपको बता दें, कविता भले ही मां ना बनना चाहे लेकिन उन्होंने राजस्थान में अपने पिता के रिश्तेदारों की एक फैमिली को गोद लिया। रोनित के साथ मिलकर कविता इस फैमिली की मदद करती। वेल, अब कविता को बिग बॉस में देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है।
वैसे आप इस शो को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बिग बॉस 14 से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।